गाइस वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कैसे आप सर्वर में जा सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो विद मोबाइल और वो भी इंटरनेट अकाउंट से। तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स पे क्लिक करना है, तो मैं कर दिया। अब यहां पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा और आपको जो प्रोफाइल का ऑप्शन उस पर क्लिक करना है, जो कि यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ मैं ये। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको यूज डाटा का ऑप्शन आएगा, मतलब कैलकुलेट डाटा। तो आपको इसमें क्लिक कर के ऑन करना है, क्योंकि ये ऑफ होगा। वैसे आपको ऊपर भी वही ऑप्शन आएगा, वही आपको कर देना, मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। फिर आपको प्ले पे क्लिक करना है, सर्वर्स पे जाना है। अब अगर आपका लोड नहीं हुआ तो मतलब कि आपका नेट स्पीड स्लो, और मैं तो अभी वाईफाई से कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा दूर वेट। अब देखो अब तेज आने लग गया है धीरे धीरे, तो अब मैं वाईफाई की मदद से जा सकते हैं, लेकिन बिना वाईफाई के भी आप जा सकते हो अगर आपने वो कर दिया तो। सर्वर्स पर जाएंगे और मैं यहाँ पे खेलना चाहूँगा गैलेक्सी आइट कुछ ऐसे ही नाम है। तो वैसे तो मैं मनी है ज़्यादा खेलता हूँ, जिसमें हाइड एंड सीक खेल लेता हूँ, लेकिन मैंने ये कल चालू किया खेलना, इसमें नया बैटल रॉयल आया है। तो फिर मैं सोचा कि चलो यार ट्राई कर ही लिया जाए, लेकिन फिर मैं सोचा कि नहीं, हम लोग सिंपल खेलते हैं मैच, जो कि सिंपल मैच होता है। यहाँ पे हम आ चुके हैं और ये देखो ये ऐसा होता है। कंपास पे हमें क्लिक करना होता है, यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। यहाँ पे मैं स्क्वाड के साथ खेलना चाहूँगा, तो मैंने कर दिया स्क्वाड। तो फिर अब यहाँ पे आपको थोड़े से प्लान्स दिखाता हूँ बाहर जाके। और यहाँ पे हमें पहला प्लेनेट मिल जाएगा जो कि अर्थ जैसा है, जो कि आपको दिख रहा होगा। वहाँ पे हमारा बैटल रॉयल चलता है, दिखने में छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा वो। और अब हम जो है ये देखो, यहाँ पे एक लाइन है, मतलब आपको दिख रही होगी ब्लॉक्स की, उससे वो पूरा इस प्लेनेट को घेरा हुआ है। और वहीं पर एक येलो कलर का प्लेनेट है, और मैं प्लेनेट्स वाले गेम पर खेल रहा हूँ। 20 seconds है, 19 seconds, 18 seconds, और यहाँ पे एक और प्लानेट है, ये इसका भी अलग गेम है। और अब मैं अलग अलग गेम सबको लाता रहूँगा, जैसे मैंने हाइड एंड सीक की वीडियो डाली थी इससे पहले माइनक्राफ्ट की, वैसे ही मैं आपको नया कंटेंट देता रहूँगा। क्योंकि वो मनी हैव का था और हम गैलेक्सी लाइट खेल रहे ज़्यादातर, इसलिए यहाँ पर हो चुका है गेम स्टार्ट। और अब हो चुका है, और इस बार नया मैप आया है, और ये हमारा कोर होता है जिसको हम नहीं तोड़ सकते, लेकिन सामने वाले बंदे तोड़ सकते हैं, और उनके बदले उनको चीज़ें मिलती है जिसे वो शॉप से खरीद सकते हैं। यहाँ पे देखो दो बुढ़ा बुढ़े हैं, यहाँ पे बुढ़ा अपग्रेड करता है, या तो दोनों ही बूढ़े हैं। ओके, मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो दोनों ही बूढ़े हैं और उनसे हम ट्रेड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा आयन की मशीन का लिखा है, करंट आयन कुछ करके। अभी मैं यहाँ से ढूंढ रहा हूँ कि वो कहाँ है, क्योंकि इस तरफ आ रहा है, और अभी मैं रुका खिंचा मुझे पता चले, और अब मुझे पता चल गया कि वो कहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे एक रास्ता मुझे दिखा थोड़ा सा। वेट, मैं यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे दिखा। हाँ ये देखो, ये एक केव होती है, इसके अंदर जाके आपको बस इस मशीन पे क्लिक करना होता है और आपको आयरन मिल जाता है। जैसे मुझे 19 मिल गया, क्योंकि किसी ने, और अपग्रेड करने के लिए आपको 2 diamonds चाहिए होता है, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अब हम ऊपर चलते हैं, और सामने भी एक जेल है, वहाँ से भी आयरन उठा लेते हैं जितना मिलेगा। वहाँ से तो 16 ही मिलेगा, 36 आयरन हो जाएंगे हमारे पास। और ये भी आयरन की मशीन, इस पर भी बस एक बार क्लिक करना है, 36 हो गए आयरन। और अब हमारा जो बंदा है वो इसको अपग्रेड कर देगा, लेकिन वो चाहता है कि हमारी टीम हारे, इसलिए वो बार बार मरेगा, और मैं भी हूँ उसमें से शायद से। मैं बहुत बार मरा हूँ, मतलब बहुत टाइम लगाया और मैं बहुत बार मरा हूँ। हम ये गेम मैच हार चुके थे, क्योंकि मेरे टीममेट्स बेकार आए थे। एक है जिसके पास बहुत बढ़िया कपड़े हैं, जो कि बढ़िया लेवल का है, तो यहाँ पे हम वूल खरीद लेते हैं, अटैक करने जाएंगे तभी यूज में आएगा। यहाँ पे हम वेपन खरीद लेते हैं, जो कि एक स्टोन की सॉर्ड है,
तो ये भी हमने खरीद लिया। अब कुछ है खरीदने के लिए, और यहाँ पे 10 आयन चाहिए। तो वेट, वी आयन का अब बंदा हमारे वहाँ पे जा रहा है, तो मैं सोचा कि जो वहाँ पे जाते हैं, मतलब बीच में जाते हैं, सेंटर में जहाँ पे एमरल्ड्स मिलते हैं, और वहाँ पे पर्पल टीम का बंदा भी है जो कि आ रहा है। हम आराम से जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे ब्लॉक्स आगे लग रहे हैं बार बार, और यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी, तो हमारा ब्लॉक भी कम हुआ है, एक ब्लॉक और लगा भी नहीं। यहाँ पे फटाफट से लगाते हुए आगे बढ़ता हूँ, ये पीसी में नहीं खेल रहा मैं, इसलिए मुड़ना पड़ता है, तो अब मैं आगे चल रहा हूँ। सो अब हम सेंटर पर पहुंच गए हैं, और मैं यहाँ पे सीढ़ी बना देता हूँ, सीढ़ी, ताकि हम नीचे उतर सके और आ जा सके मेरी टीम और मैं। यहाँ पे बंदा था, मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ देखने के लिए, लेकिन यहाँ पे मुझे नहीं मिला, तो मैं वापस ऊपर चल लेता हूँ। अब मुझे वहाँ पर पर्पल टीम दिख गई थी, और मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों, लेकिन ज़्यादा ही पार्कूर मास्टर बनने की सिर्फ सिर्फ यहाँ कामयाब कोशिश करता हूँ। मैं यहाँ से देखना उस पर कूदा, जबकि मुझे पता है कि वो बहुत दूर है। ये देखो मैं कूदा ही नहीं है, और मैंने अपने कोर का एक पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। और बंदों को आके जो अभी मैंने आपको गोले दिखाए थे ना, उसको मारना है, तो उनसे उनको कॉइन्स मिलेंगे, और हमारी टीम जल्दी जल्दी करके हार जाएगी। ऊपर आपको ग्रीन ग्रीन दिख रहा होगा, ब्लू टीम के सामने ग्रीन ग्रीन। ये बंदा जब तक आता है तब तक मैं कर देता हूँ, और ये बंदा अपग्रेड करने आया था, तो अब इसकी स्पीड थोड़ी से ज़्यादा हो चुकी है। ओके, तो अब जो ऊपर आपको टीम के सामने ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं, वो हमारे कोर्स की हेल्थ है। अभी 2 चले गए हैं, क्योंकि मैं एक बार मर गया और एक बार हमारा कोई बंदा मर चुका है। तो यहाँ से ब्लॉक्स उठा लेते हैं थोड़े से, और पैक पे क्लिक करके मील पे जाते हैं, और यहाँ पे स्टोन शॉर्ट जा जितने पैसे हैं, और यहाँ पे हम चलते हैं बीच पे, और मैं बहुत बार और करते हैं, तो चलो आप देखो तब तक। सो गाइस, अब हम बीच की ओर जाते हैं, क्योंकि सामने एमरल्ड्स हमें चाहिए, और क्या कहूँ, मतलब से बहुत बार और कर दियो, और नेक्स्ट वीडियो फ्री फायर की आएगी। पहले बता देता हूँ, अगर आपको देखनी है या नहीं देखनी है, ऐसा नहीं होगा मैं फ्री फायर की ही डालूंगा पक्का, क्योंकि नए इवेंट्स आए हैं, और मैंने गेम प्ले बहुत दिनों से नहीं चाहा, 4 दिन हो गए, जैसे 1 हफ्ता होने वाला है। तो फ्री फायर में मुझे अच्छा खासा कंटेंट मिल जाता है माइनक्राफ्ट के मुकाबले, तो मैं माइनक्राफ्ट की ये वाली वीडियो डालूंगा आज। तो आज मैं एमएल उठा लेता हूँ, देन हम कुछ चीज़ें लेने चले जाएंगे। 6 एमराल्ड्स हो गए, यहाँ पे 3 एमराल्ड्स और मिल जाएंगे। यहाँ से भी 3 एमराल्ड्स मिल जाएंगे, है ना? हाँ, 12 एमराल्ड्स हो गए। और मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों, लेकिन पर्पल के इलाके में जाने की सोचता हूँ, और तो अब 18 मिनट बाकी हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, और पीछे से बंदा आ रहा है, तो मैं सोचा कि अगर मैं इसके हाथों मरा तो क्या होगा, कि सारा जो सामान है इसको मिल जाएगा। इससे बढ़िया कि मैं नीचे ही गिर के मर जाऊं, वो मारता तो भी कूद जाता, मैं मरता तो भी गया है। तो बात है कि बस उसको एमरल्ड्स नहीं लेने दिया मैंने। ऐसा आयरन उठाते हैं, जो कि 64 देगा, और अगला भी मुझे 64 देगा, क्योंकि ड्रिल की स्पीड बहुत बढ़ गई, और मैं तो जल्दी आता कि मैं गिर भी सकता।
अब आप वीडियो एंजॉय करो।
सो गाइस यही थी वीडियो, मिलता हूँ लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, तब तक बाय।